पूंछ में एक रोजा रोजगार मेले का इनेकाद, जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने रिबन काट कर मेले का किया इफ्तिताह। 11 कंपनियां भी हुई मेले में शामिल। सैकड़ों बेरोजगारों ने अपना रोजगार हासिल करने के लिए जानकारी हासिल की। प्रोफेसर साहिबान जो जुड़े हैं हमारे साथ, इलाके में यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई बड़ी कंपनीज नहीं है, तो हमारे यहाँ की जो यूथ है वो डिग्री अपलोड करके फिर वेट करते रहते हैं कि कहीं गवर्नमेंट की जॉब मिले। और ये टाइम सारा चाहता हूँ, काफ़ी हिम्मत करके काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। आप जिले के दूर दराज इलाकों से भी आए हैं और बहुत मुश्किल से आपने अपनी पढ़ाई भी की है कि जितने हो सके एडजस्ट हो जाए। जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं आप आए हो, ये आपकी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके की जॉब होती हैं। आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, आप पढ़ाई खत्म करें पहले, फिर इस तरीके की नौकरियां आपको मिलेंगी। क्योंकि लोकल जो हमारी कंपनीज हैं, कुछ शोरूम हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद यहाँ पे आई हुई हैं आप सब में से लोगों को चुनने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर आप सब खुद समझते हैं कि आज के कॉम्पिटेटिव दौर में बेरोजगारी बहुत है, क्वालिफाइड नंबर ऑफ यूथ एक्सेस में है और हर एक किस्म के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए पुलिस अवेयरनेस भी इसके रिगार्डिंग थी कि सर ये हमारा जो जॉब फेयर है इसका मकसद क्या है। मकसद यही है कि एक प्लेटफार्म जो मैंने जैसे पहले अर्ज की है कि एक कॉमन प्लेटफार्म जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होता है उसको, और दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन हमारी जो है जो मस्ट है। महेंद्र में पहली बार ऑपरेशन थिएटर कायम किया गया, बीएमओ डॉक्टर अशफाक चौधरी ने किया इफ्तिताह। कहा तजुर्बा कार डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से इस सिलसिला में हुई है ताखीर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूंछ ने अपनी टीम के हमरा पूंछ बाजार में किए गए नाजायज तजावजात हटाने के लिए पूंछ बाजार का दौरा किया, मुतअद्दिद मुकामात से तजावजात हटाए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी जनाब हनीफ साहब। हनीफ साहब, बताएंगे कि लोग बार बार यहाँ पे किला मार्केट में इंक्रोचमेंट करते हैं, तो किस तरह का एक्शन आप करेंगे? जिस्मानी और जहनी तनाव को ख़त्म करने के लिए पूंछ में खसूसी योगा का इनेकाद। महकमा आयुष के माहिरीन ने बाल आश्रम के बच्चों को योगा करवाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने G20 इजलास से काबिल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी मेंबरान के साथ की मीटिंग मुनक्कद। मुख्तलिफ अमूर पर किया तबादले ख्याल। कहा कि G20 इजलास का श्रीनगर में इनेकाद नहायत ही अहम है। लोगों से तआवुन करने का की अपील। जहरा करीम ने गर्ल्स बकरवाल हॉस्टल की वार्डन का ओहदा संभाला। किया गया वालिहाना इस्तकबाल। और यहाँ हमारी बच्चियों ने अच्छी प्रोग्रेस की है इनकी छत्तरछाया में। मैं उनको भी एक अच्छी इनिंग करने की मुबारकबाद देता हूँ। उनके जो अमानत इनके पास थी वो इतनी सवाल के खूबसूरती से आज जो नई इंस्ट्रूमेंट गार्डन आई है उनको ये उन्होंने अमानत उनके हवाले की है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है। मैं मुबारक देता हूँ नज़ार काफी साहब को जिनको असिस्टेंट गार्डन के वो अपने जो करीबी हैं दोस्तों जाते हैं
में अगर कोई रेसिंग की हम करेंगे तो करना भी चाहिए, तो उसके लिए भी हम सब दोबारा से हाजिर हूँ। नहायत काबिल इज्जत वार्डन मैडम जी, जो आप इस को अलविदा कह रही हैं, बहुत बहुत आपने हमारे लिए इतना अच्छा इंतजाम रखा यहाँ पे। मैं आपके पास सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप कॉलेज से आए हुए तमाम फैकल्टी मेम्बर्स का, जिन्होंने बड़े अच्छे से हमारा इधर इस्तकबाल किया, उसकी मदद की। तो इसके अलावा मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही बड़ा वजीफा मेरे मुझे सौंपा है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो सका हम इस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। हमें भी पता है ये बहुत गरीब बच्चे होते हैं, बहुत दूर से आते हैं, उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है इंशाल्लाह। इससे पहले तो मैं खैर स्कूल में थी, वहाँ पर हमें सिर्फ टीचिंग और लर्निंग तक ही हम महरूम थे। अब एक ये बहुत बड़ा रीज़ा है, इसमें मुझे बच्चों की साइकोलॉजी तक पढ़ना है कि वो बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, फिर उसको सॉल्व आउट करना है कि ये परेशानी को हमें कैसे सॉल्व आउट करना है। आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे इस रीज़े को अच्छे से निभा सकूँ। मुहतरमा जोरा करीम, सुनील टिम्पल की क़यादत में जम्मू में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज, पीओके गिलगित बनेगा हिंदुस्तान के नारे लगाकर किया गम व गुस्सा का इजहार। G20 इजलास को मुतासर करने, अक़लियती तबका को पाकिस्तान में हरासा करने पर भी बनाया पाकिस्तान को तनकीद का निशाना। क्या बनेगा हिंदुस्तान? हिंदुस्तान हिंदुस्तान बलोचिस्तान बनेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, बलोचिस्तान बनेगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान पीओके बनेगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। G20 बैठक जम्मू में करो, G20 बैठक जम्मू में करो, पीओके। आज हमारा जो ये प्रदर्शन हो रहा है, ये हमारी मांग है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द से जल्द आजाद करवाया जाए, और हमारा ये कहना है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। हाथ खड़े करके, पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। और भारत सरकार से हम ये मांग करेंगे, और क्योंकि इस समय पाकिस्तान का माहौल बहुत खराब है, हमारे जो पीओके गिलगित बल्टिस्तान की जो आवाम है वो वहाँ पे, हमारे जो भाई पीओके के हैं वो बड़े मुश्किल दौर से ISR और आर्मी की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बारामूला का दौरा किया, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के हमरा पट्टन में वेटरनरी अस्पताल का किया इफ्तिताह। आपके पास ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है जिसमें आप 50 गाय से ऊपर अगर जाएं, आप 200 गाय तक जाएं, 200 गाय तक भी आपको 2 करोड़ मिल सकते हैं। तो मुझे मेरा मानना है कि किसान भाई हमारा अगर इसका पूरा फायदा उठाएंगे, बहुत फायदा होगा। और मैं आपको एक और बार बताऊँ कि जम्मू सूबे में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए काफ़ी एप्लीकेशन है, लेकिन कश्मीर से भी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। तो मैं आप सबको यही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप इस बड़ा यूनिट सेटअप कर सकते हैं 50 गाय का 200 गाय का, आप मेहरबानी करके रखिए एंड डिपार्टमेंट के साथ, आपको पूरा पता होगा।
मदद दी जाएगी। क्या आज आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सेंटर इनॉग्रेट किया है, एक पुराना ब्रिटिश वाली बिल्डिंग थी यहाँ पर, जिसमें इतनी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। हमारा लाइव स्टॉक पटन सब डिविजन में सर बहुत बड़ा लाइव स्टॉक है, ऑलमोस्ट 30,000 की पॉपुलेशन में हमारे कैटल एंड अलाइड सारे जितने भी। जिला तहकियाती कमिश्नर पुंछ की हिदायत पर ऑफिसरान ने सुरनकोट में सरकारी क्वार्टरों में अरसा दराज से रहने वाले कुछ लोकल्स को निकाला। जम्मू यूनिवर्सिटी के कठुआ कैंपस में मैदान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकार खिलाड़ियों ने किया गर्मजोशी का इजहार। Yeah.